please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। स्वागत है आपका रियल्टी टॉक के एक और एपिसोड में। आज मैं आपसे किसी कंपनी या फॉर्म के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो अगर सेल्फ मेड मैन की कोई परिभाषा होती है तो उस पर एकदम सटीक बैठती है। स्वागत है पारुल लोहिया जी आपका हमारे शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले पारुल लोहिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जब आपने एंट्री करी तो आपको कैसा लगा और इसका ख्याल कैसे आया था आपके मन में? मैंने स्टार्ट किया था 2006 में। उस टाइम बड़ा बूम था इंडस्ट्री में, हर जगह बूम था, तो लोग पैसा भी बहुत कमा रहे थे। तो मेरे फादर ने कभी अराउंड 35 इयर्स बैक एक प्रॉपर्टी ली थी हाईवे के ऊपर इन दिल्ली। तो वो प्रॉपर्टी वेकेंट थी हमारी, तो मैंने उसके ऊपर एक होटल बनाने के बारे में सोचा कि सामने एयरपोर्ट है, बिल्कुल एनएचएट है, तो क्यों ना एक होटल बनाया जाए। मैंने होटल बनाया, सब कुछ बनाया, मेरा होटल बड़ा अच्छा चल गया वहाँ पे। थोड़े से इश्यूज़ भी हुए, प्रॉब्लम्स हुई, लाइसेंसेस के इश्यूज़ हुए, लेकिन वो सब ठीक हो गए थे। तो ऐसे करते करते फिर लोग हमारा स्टार्ट हुआ था, आज आप देख लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने इसके बारे में सोचा था, इंडस्ट्री में एंट्री के बारे में सोचा था, तो आपने सोचा होगा कि मुझे कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में फाइनली आए तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लाइसेंसेस का बड़ा प्रॉब्लम हुआ। गवर्नमेंट के रूल्स इतने ईजी नहीं है। काम करने में, स्टार्ट करने में, कंस्ट्रक्शन में बड़ी परेशानियाँ आई थी। हालांकि सॉर्ट आउट सब कुछ हो गया था, लेकिन लास्ट में जाके मैं लाइसेंसेस में अटक गया था। कुछ पैचेस ऑफ दिल्ली ऐसे हैं जिसमें जो रेगुलाइज नहीं कर पाई गवर्नमेंट, रेगुलाइज कर दिया तो उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाई है, उधर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे पाई है गवर्नमेंट। अब जाके वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन लाइसेंस का मुझे बड़ा इशू आया था। लेकिन मुझे धीरे धीरे, मैंने सब कुछ पूरा किया, मैंने खुद अपने आप सब कुछ बनाया और एंड ऑफ द डे मुझे लाइसेंस भी मिल गया। थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा रही लाइसेंस को लेके, लेकिन मुझे मिल गया लास्ट में। किन किन लाइसेंसों को लेके आपको प्रॉब्लम रही थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे होटल रनिंग का लाइसेंस नहीं मिला, तो उसकी वजह से मुझे एक साल वेट करना पड़ा होटल ओपन करने से पहले। एक साल बाद मुझे मिला फाइनली, मुझ मेरे साथ अराउंड 10 प्रॉपर्टीज़ को मिला और आज भी है, चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो रियल स्टेट मार्केट है वो अपने काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रहा है, तो आपके हिसाब से इसकी वजह क्या है? वजह देखो, एक कोई रीज़न तो होता नहीं है किसी स्लो डाउन के। ये कोई एक घर नहीं, मकान नहीं कि क्या रीज़न हो गया कि वो हो गया। ये पूरी एक बहुत बड़ी कंट्री है और कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस पूरा वर्ल्ड डालता है। तो आज पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन है। कोई ये कहे कि इस रीज़न से स्लो डाउन है, उस रीज़न से स्लो डाउन है, इसका कोई रीज़न कोई कह नहीं सकता है। सब लोग पैसा नहीं खर्च करते अभी। हर 6 महीने में प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो रहे हैं। मैं भी होगा, आप भी होगे, हम क्यों अभी ज़मीन खरीदें जब ऑलरेडी रेट्स हर 6 महीने में डाउन होने लग रहे हैं। इसलिए कोई रीज़न मुझे तो लगता है कि लोग इसीलिए जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई जब रेट्स डाउन होने ही हैं तो लगा के क्यों कोई को लॉस में जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिसेशन, तो देखो रिसेशन तो आता है, जाता रहेगा। आज है, आज स्लो डाउन है, अब 2019 के बाद उम्मीद करते हैं कि लोग बड़ा अच्छा बूम आने वाला है। क्या इसका कुछ फ़र्क हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर भी पड़ा है? देखो सब कोरिलेटेड होता है। पैसा कम होगा तो लोग खर्च भी कम करेंगे, एक्सपेंडिचर भी अपने कम करते हैं लोग, ट्रैवलिंग थोड़ी कम करते हैं। फिर डोमेस्टिक ट्रैवलर जो है अब थोड़ा आउट ऑफ इंडिया जाने लग गया है, एशिया में बहुत जाने लग गया है। थाईलैंड बहुत जा रहा है, हांगकांग बहुत जा रहा है, सिंगापुर मलेशिया बहुत चीप हो गया है। तो डोमेस्टिक जो ट्रैवलर है वो प्रेफर करता है कि मैं अगर गर्मियों की छुट्टी में जाऊँ या कहीं जाऊँ, मुझे कुछ मिलता है तो हम आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करें, विच इज़ मच मोर चीपर। तो ये होता है। फिर लॉन्ग वीकेंड्स बहुत आ गए हैं, लॉन्ग वीकेंड्स पे लोग पहाड़ों पे जाते हैं, दिल्ली में कम आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हम बड़े प्रोस्पेक्टिव पे देखें तो जो पूरे वर्ल्ड की बड़ी रियल स्टेट की कंपनियाँ हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, अब वो रियल स्टेट मार्केट को छोड़ के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में धीरे धीरे अपने कदम जमा रहे हैं, तो आपके हिसाब से इसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह एक ये मुझे लगता है, जब एक जो ये कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, बिल्डर्स हैं, सब कुछ हैं, बहुत पैसा है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ है। एक होटल बनाने के लिए उनको थोड़ा सा निकालना अपने सेविंग्स में से, और वो निकाल देते हैं। और जब मेरे पास भी, मान लो मैं एक बिल्डर हूँ, अगर मेरे पास भी बहुत सारा पैसा है, तो मैं अपने ग्लैमर के लिए, अपने शौक के लिए, ये एक बड़ा, मतलब बड़े शौकीन बिजनेस माना जाता है इसको।
कुछ होटल्स हैं जो होटल बैकग्राउंड के लोग हैं जो होटल चलाते हैं, वो तो अपना बिजनेस भी है, सब कुछ है. जो बिल्डर इस लाइन में घुसते हैं उनका एक पैशन होता है, एक एक ग्लैमर भी होता है, फिर इनकम इन्वेस्टमेंट भी है लेकिन इनकम भी है. लोग घुसते हैं इस लाइन के अंदर, एक्स्ट्रा पैसा होगा बिल्डरों के पास तो वो भी होगा, फिर स्लो डाउन भी आ रहा है तो लोग सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो बिज़नेस बनाना ही है, तो क्यों ना इतने पैसे में एक ग्लैमर का बिज़नेस बनाया जाए, एक अच्छा बिज़नेस बनाया जाए. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में क्या बदलाव आ रहे हैं, जब आपने शुरू करा था पहले उसमें और अभी क्या बदलाव आए हैं, और आगे आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या बदलाव आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में? देखिए, इस इंडस्ट्री में हर 5 साल में एक नया टर्न आता है. 2006 में जब हमने स्टार्ट किया था तब कैश की ट्रांजेक्शन ज़्यादा थी, लोग क्रेडिट कार्ड कम इस्तेमाल करते थे, NEFT तो कोई करता ही नहीं था. कॉरपोरेट्स ज़रूर इस्तेमाल करते थे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, लेकिन जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है वो तो कैश दिया करता था. लेकिन 2010 के बाद ये मेक माई ट्रिप, गोवा, बीबो, मोबाइल एप्लीकेशन बहुत आ गई है. जब से आईफोन आ गया, सैमसंग एंड्रॉयड आ गया, इसके बाद से मोबाइल एप्लीकेशन आ गई हैं, तो लोग अब कैश नहीं देते हैं, अब मोबाइल के थ्रू बुकिंग करते हैं. उससे पहले ट्रिप एडवाइज़र पे अपना रिव्यूज़ चेक करते हैं होटल में जाने से पहले. तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, फिर ये ओयो आ गया, फिर ये सब आ गए हैं. तो अब मनी जो है ट्रांजैक्शन वो डिजिटल ज़्यादा हो गई है, कैश कम हो गया है, प्लस रूम रेंट बहुत कम हो गए हैं. जो मैं 2006 में बेचा करता था उससे मैं 70% पे आ चुका हूँ. मतलब सपोज़ कि मैं अगर मैं 1,000 रुपये का रूम बेच रहा था तो वही रूम मैं आज 700 रुपीज़ का बेचता हूँ. प्लस कैश नहीं आता है उसमें, आता है. ये बहुत चेंजेस आ गए, और 2-3 साल में फिर कोई नया ट्रेंड आएगा. पहले बाय बैक नहीं था, अब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, मेक माई ट्रिप हो, गोवाई बीबो, ओयो हो, कोई हो, बड़े ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये लोग इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं होटल से. ये ट्रेंड पहले नहीं था, ये 3-4 साल से ये ट्रेंड आ गया. अब 2-3 साल बाद फिर कोई नया ट्रेंड आएगा. पहला फिर ये है कि रूम रेंट ज़रूर डाउन हो गए हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, नए ऐप्स आ रहे हैं, सारे होटल्स को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मोबाइल पे अपने चेक कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है होटल्स के ऊपर? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव तो हर चीज़ में होता है. पॉजिटिव ये हो गया है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा जो ऑक्यूपेंसी थोड़ी हाई हो गई है. रूम रेंट कम होने से ऑक्यूपेंसी, जो लोग होटल में स्टे नहीं करते थे या जो लोग बिल्कुल बिल्कुल ही बहुत लो बजट होटल्स में स्टे करते थे, वो थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो गया है. वो 5 स्टार्स भी नहीं गए, 4 स्टार्स भी नहीं गए, लेकिन वो 3 स्टार्स में आ गए. 1 स्टार गेस्ट हाउस वाले 3 स्टार में आ चुके हैं. तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, फुटफॉल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, गवर्नमेंट सेक्टर्स बहुत इंक्लूड हो गए हैं ट्रैवलिंग में, और चेंजेस हो गए हैं. आता है सुनते चेंजेस. आज से 10 साल बाद आप इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? ये आगे और प्रॉफिट कमाएगी या मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? आज के 10 साल बाद इस इंडस्ट्री में क्या होगा? 10 साल बाद ये होगा कि जो लोग प्रोफेशनली अपने होटल को मैनेज करते हैं वो ही सर्वाइव कर पाएंगे. अनप्रोफेशनल लोग या फिर जो यूनिफॉर्मिटी में नहीं चलते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जिनकी खुद की प्रॉपर्टी है वो तो रनिंग कर सकते हैं. हम किसी को लीज पे देते हैं वो देखते हैं, मैं रोज़ पेपर्स में पढ़ता हूँ, रोज़ देखता हूँ. लीज्ड आउट प्रॉपर्टीज़ नहीं चल पाएंगी, और वो चाहे बजट सेगमेंट हो या 4 स्टार्स हो या कुछ भी हो. प्रॉफिट कम होता जा रहा है दिन बर दिन, ओवर सप्लाई बहुत हो गया है. हम लोगों में ये है कि हम देखते हैं कोई बिजनेस में क्या कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, सब लोग उसी बिजनेस में भागते हैं. तो एक कैपिंग नहीं है इस इंडस्ट्री पे कि भाई सेगमेंट में, इस इंडस्ट्री में या इस गुड़गांव में, दिल्ली में इतने प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए होटल की. नहीं, वो ओवर सप्लाई हो गया. ओवर सप्लाई होगा, रेट्स कम होंगे, डिमांड उतनी है, डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, सप्लाई उससे ज़्यादा बढ़ गई है. तो ये हो गया है. मैं आपसे जानना नहीं, अब मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगा. हमारा जो यूथ है, अब यूथ का माइंडसेट चेंज हो रहा है. अब लोग एम्प्लॉयमेंट, काम करना किसी के नहीं चाहते, वो चाहते हैं मैं अपनी कंपनी खोलूँ, मैं अपना खुद का कुछ काम करूँ. तो आप एक खुद एग्जांपल हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कह सकता हूँ मैं आपको. आप अपना एक बिजनेस चला रहे हैं इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप बहुत सक्सेसफुली टिके हुए हैं. तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें आप मोटिवेट कैसे करना चाहेंगे, आप जैसे लोग ही उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं? देखो भाई, तो आपका बड़ापन है कि मुझे आप इतना सक्सेसफुल बता रहे हो. आई एम जस्ट 32, अभी तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है. इतना कोई मैंने बड़ा अचीवमेंट नहीं कराया, पर ये कि लगे रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं. रही बात मेरे भाइयों की, मैं इनको यही मैसेज दूंगा कि भाइयों लगे रहो, हार्ड वर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, फेलियर से ना डरें, फेलियर से तो बिल्कुल ना डरें. आज नहीं तो 2 साल बाद 3 साल बाद किस्मत ज़रूर चमकती है. हार्ड वर्क ज़रूर रंग लेके आता है और आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे.
सक्सेसफुल का पैरामीटर हम सोचे कि हम अंबानी बन जाएं या वो बन जाएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सक्सेसफुल तो आप जितना आप सोचते हो, चाहे उसका 50% भी हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और रही बात नई नए स्टार्टअप्स की, तो देखो लोग नौकरी नहीं करना चाह रहे, नौकरी सब लोग करते हैं, उसके बाद लोग जब आइडिया आपके दिमाग में आ गया तो फिर आपको अपना करना चाहिए। अगर लोग अपने आइडिया के अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करेंगे, जो लोग सोच के बैठे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर उसको नहीं करेंगे तो नई नई कंपनीज कैसे बनेंगी? ये गूगल, फेसबुक, ये सब अलीबाबा या अमेजोन ये नहीं बनते आज अगर लोग नौकरी करते रहते। तो नौकरी तो छोड़नी पड़ती है अगर आपको कुछ करना है, खुद ना खुद तो रिस्क तो लेना पड़ता है लाइफ में, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आज हमारे साथ मौजूद थे पारुल लोहिया जी, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। इन्होंने आपको संदेश दिया कि आपको टिके रहना है, हार नहीं मानी, और अगर कुछ करना है, कोई सपना है आपका, तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और सपने के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे फिर मिलेंगे रियल्टी टॉक के एक और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते। फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स विजिट आवर वेबसाइट realtymedia.in, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल रियल्टी मीडिया।